कितनी मेहनत कर रही है, पूरे अच्छे से मेहनत करती है, वो व्लॉग बनाती है, एडिटिंग करती है, सारा काम करती है गाइज वो घर। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ छुपने क्योंकि निखिल आने वाला है। तो हे गाइज गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज मैं देने वाली हूँ निखिल को सरप्राइज, तो आप व्लॉग में बने रहना और देखना क्या सरप्राइज देने वाली हूँ मैं। अगर आपको अभी बता दूंगी सारा सरप्राइज तो आप देखोगे नहीं आगे व्लॉग। तो गाइज सरप्राइज देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से पंचकुला। मैं हो गई हूँ अभी तैयार और पूरे घर की भी मैंने सफाई वगैरह कर ली है, तो अब मैं जा रही हूँ निखिल के पास। तो गाइज मैं घर से तो निकल गई हूँ, अभी मेरे को याद आया कि मेरे पास तो कैश ही नहीं है। अब देखते हैं जो ऑटो वाला भैया गूगल पे लेगा तो उस वाले ऑटो में जाऊंगी मैं भी। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑटो नहीं मिल रहा है जो गूगल पे लेता हो भैया। हे भगवान 10 ऑटो चले गए मेरे सामने अभी ऐसे। तो गाइज मैं पंचकुला पहुंच गई हूँ, बस अब घर पे निखिल नहीं होना चाहिए। वैसे तो शूट के काम से कहीं बाहर गया है ना, अगर वो घर पे आ गया होगा तो मेरा प्लान पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तो मैं अभी उसको फोन करके भी नहीं पूछ सकती निखिल कहाँ पे है। अगर उसको गाड़ियों की आवाज आ गई तो उसको शक हो जाएगा, या तो उसको पता लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये वाला रिस्क तो लेने नहीं जा रही, फिर घर जाके लगेगा पता कि वो घर पे है कि नहीं है। तो गाइज अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पे और रोमियो की शरारते देख लो। तो मैं इसको फुल इग्नोर कर रही हूँ, रोमियो को मैं इससे बात ही नहीं कर रही। रोमियो, रोमी किधर है? रोमी, रोमियो आजा, आजा रोमी। रोमियो देखो कैसे बैठा हुआ है। रोमियो मुझे दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। रोमी मुझे दिख ही नहीं रहा। ओ रोमी मुझे दिख ही। रोमियो किधर? ओए ओए गिर गया था अभी, गिर गया था, गिर गया था रोमी, अभी गिर गया था, गिर गया था। गाइस निखिल अभी घर पे नहीं है तो मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, तो मैं छुपने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है? जैसे ही अलमीरा खोलेगा वैसे मैं उसको वाह करूंगी, देखेंगे उसका रिएक्शन क्या होगा। बस यही सरप्राइज था, बाकी कुछ भी सरप्राइज नहीं था। गाइस ये निखिल का पुराना फोन है, इसको मैं चार्ज पे लगा रही हूँ, इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि इससे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बस जब मैं यहाँ छुपूंगी ना तो यहाँ इस वाले फोन से वीडियो बनाऊंगी और ये वाला फोन वहाँ लगाऊंगी, छुपा के लगाऊंगी। बस वो अलमीरा खोल दे। अब आप सोच रहे होंगे वो अलमारी क्यों खोलेगा, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि अलमारी में मेरा कुछ सामान है, जब तू आएगा मुझे लेने तो अलमारी से मेरा सामान ले आना, तो उसको खोलना ही पड़ेगी। बस देखते हैं अब निखिल का वेट करते हैं, तब तक मैं फ़ोन वगैरह सारे चार्ज कर लेती हूँ। वैसे तो अभी उसको एक दो घंटे आने में, तब तक मेरा फुल फ़ोन चार्ज हो जाएगा, तब तक मेरा फोन वगैरह भी चार्ज हो जाएगा और तब तक मैं रोमियो के साथ खेलूंगी। यहाँ पे देखो ये शरारते लग गया करने। A few moments later. तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ छुपने क्योंकि निखिल आने वाला है और बाय बाय, देखते हैं अब क्या होता है। गाइज अभी मैं छुप गई हूँ, निखिल आ गया है, अब देखते हैं उसके क्या रिएक्शन होंगे। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है और आंटी ने ये दरवाजा ढंग से बंद नहीं किया। भगवान पता नहीं कब आएगा वो। रिचु आई है? उसको पता लग गया क्योंकि मेरे चपले बाहर है। चप्पल में पड़ी है उसकी वहां, चप्पल में पड़ी है उसकी, चप्पल तो पड़ी है उसकी यहाँ पे। तुझे लग गया ना बता, चप्पलों की वजह से लग गया ना। तो आ गया ब्रो। तो यहाँ आया क्या, हमने कुछ किए हुए इसने? यार मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया, मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया इन चप्पलों की वजह से। निखिल को पता लग गया, हे भगवान पता लग गया था ये रीचू की चप्पल है यहाँ पे। चल कोई बात नहीं, फिर भी मैंने अपना प्रैंक किया ना,
प्रैंक फेल हो गया तेरा? नहीं तू डरा तो सही। डरने का क्या, डर तो मैं वैसे भी हूँ तेरी शक्ल देख के। बकवास मत कर। और मैं कब से अंदर घुट रही थी यार, कब से मैं ना पहले ऐसे ही बना रही थी अपने में वीडियो, पर तुम्हारी गाड़ी बाहर दिखी, मैं आगे एकदम से आंटी को बुलाया, आंटी इधर आओ, और आंटी ने दरवाजा ढंग से बंद नहीं किया था इसका। चल कोई बात नहीं, फिर भी इसकी आंटी ने दरवाजा बंद नहीं किया ना, इसकी वजह से मेरे को सांस आ गई। गाइस अभी मैं और निखिल जा रहे हैं किसी काम से जीरकपुर। हम सब ने अब खाना वगैरह खा लिया, मैं और रोमी बाहर बैठे हुए हैं। ये पता नहीं किस चीज को भौंक रहा है। भौं क्या हुआ रोमी, कौन आया किसको भौंक रही हो? घूमी घूमी करने जाना रोमी ने और मैंने और निखिल ने। अभी निखिल आ ही नहीं रहा है, बहुत आलसी है निखिल। निखिल आता ही नहीं है जल्दी से। ओ आ गया निखिल, ओ आ गया निखिल, चल घूमने चलते हैं। वैसे इसके जिस दिन हम फोन नहीं लेके जाते उस दिन इसके कितने सारे फैन मिलते हैं, है ना? और आज हम फोन लेके जा रहे हैं, पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज हम फोन लेके जा रहे हैं अपने साथ, देखते हैं मिलते हैं रोमियो के फैन कि नहीं मिलते हैं, कि हमारा पोपट हो जाए। अभी कुछ नहीं पता, तो चलो गाइस चलते हैं रोमियो को लेकर घूमने। घूमने घुमा घूमी कर घूमी घूमी करने जा रहे हैं पर डी लेके। बट लेकिन रोमियो ना आजकल काटने रख गया है। निखिल डी लेके है पर मेरी एक डील है, जाते वक्त मैं इसको पकड़ूंगी, आते वक्त तू पकड़ेगा। ठीक है। तो गाइस ये मुझसे लड़ता है, जाते वक्त भी अपने आप पकड़ता है, आते वक्त भी अपने आप पकड़ता है। बहुत गंदा ये। अच्छा खाने गंदा खाना खाना है, तुझे खाना नहीं दिया हमने घर पे। रोमी भी डाइट पे है और ये जो उसके साथ रोमी के साथ जा रही है ये भी डाइट पे है। अब ना मैं कुछ भी कबाड़ नहीं खा रही है ना निखिल। ठीक है कबाड़ नहीं खा रही, लेकिन तुम तो हो तो खुद कबाड़ ना। इचू ने मेरे को क्या बोला था, जब हम घर वापस जाएंगे ना तब तू पकड़ेगा इसको। अब मेरे को दे नहीं रही है, अब नखरे कर रही है। नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। ला दे तू। मैंने कब बोला था ऐसा? क्या मैंने कब बोला ऐसा? बोला था। क्या प्रूफ है? व्लॉग में बोला, सबको पता है गाइस। वीडियो नहीं बनाई है मैंने, उसको बनाई है। ठीक है मैंने बनाई नहीं। तो अभी रोमियो इधर, उसकी बेल्ट कितनी अच्छी लग रही है यार। तो भाई बेल्ट तो ये सिलेक्शन किसकी थी? निखिल की। तो लाओ अब मेरे को दे दो इसको। तो गाइस चुपचाप दे दे इधर, हट जा, छोड़ दे छोड़ दे, चला जा रोमी रोमी चला जा, मेरे साथ चलेगा अब। हाँ आ जा, गुड बॉय। तो गाइज मैंने उसको रोमियो इसीलिए दिया क्योंकि लोग देख रहे थे हमें यहाँ से, ये देखो तो भी दे दिया। क्या बेइज्जती करवानी है अपने? ये ज्यादा नॉटी लग रहा है। हां मेल है ये। अगर रोमियो तो भाग गए ये सारे कुत्ते रोमियो को देख के। ऐ है रोमियो, तू तो बड़ा हीरो निकला। हम लोग इसको घुमा फिरा के आ गए हैं, बहुत शैतान हो गया और बहुत मस्ती करने लग गया। इतना बड़ा डॉग और ये इतना सा पंगे ले रहा है उससे पंगे ले रहा है। फिर बाद में भाग जाता था पंगे लेके, फिर वो चलने लग जाता था, फिर उसके पीछे भागने लगता था पंगे लेने के लिए। भाई बहुत तेज हो गया है, और ये बड़ा हो गया बहुत ज्यादा तेज होगा और बहुत ज्यादा। वैसे आज हमें रोमियो का न्यू फ्रेंड मिल गया, पर इसके फैन नहीं मिले निकल आज हमें। जब हम फोन लेके जाते हैं तभी हमें मिलते नहीं है, जिस दिन हम फोन घर पे रखते हैं उस दिन इतने सारे लोग। इसका मतलब रीचू का पोपट हो गया। रीचू का नहीं, दोनों का। गाइस मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, वो चीज ये है कि आजकल मैं व्लॉग को पूरा अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरे शूट आ रखे हैं बहुत ही ज्यादा, और मैं शूट पे बिजी होता हूँ और वहां पे मैं व्लॉग ज्यादा नहीं बना पाता, क्योंकि मेरा डीओपी का काम है, मुझे कैमरा संभालना होता है, क्योंकि मेरा मेन काम होता है वहां पे डीओपी करना। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। रीचू बना रही है, जो कि पूरी मेहनत करती है, पूरी अच्छे से मेहनत करती है, वो व्लॉग बनाती है, एडिटिंग करती है, सारा काम करती है गाइज। वो घर का काम भी पूरा करती है, खाना भी बनाती है, ठीक है, उसके बाद फिर वो व्लॉग भी बनाती है, उसको एडिट भी करती है, पूरी मेहनत करती है गाइज वो।
मतलब कि उसकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आजकल मैं उसको भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि शूट की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूं। अच्छी बात है हमारा शूट आ रखा है, हम शूट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, शूट आना भी चाहिए क्योंकि तभी थोड़ी इन्वेस्ट हो पाएगा और किसी चीज में हम दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है, आप लोग देख सकते हो हमारी पिछली वीडियोज में ना, मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी रीचू की यार पूरी मेहनत जो है वो कर रही है, तो यार व्लॉग को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए और मतलब जो कि मेहनत कर रही है ना रीचू, उसको भी सपोर्ट कीजिए यार। मैं तो चलो कर ही रहा हूँ बट लेकिन रीचू तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है गाइज। ये मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको देखा है कि बहुत मेहनत करती है। जब मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ ना तो वो मेरे को डांट डांट के व्लॉग बनवाती है कि उठ व्लॉग बना, चल बाहर चलते हैं, कहीं कहीं चलते हैं, बट लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ गाइज। तो यार प्लीज सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों का, और आप लोग जितने भी व्लॉग देखते हैं ना उसके लिए थैंक यू सपोर्ट के लिए। बट लेकिन उसको आगे से आगे भी व्लॉग को चाहिए, हमारा फैमिली व्लॉग होता है, अच्छा होता है, एंटरटेनिंग होता है। बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से भी व्लॉग बना लिया करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट भी कर दिया करो यार, एक लाइक करने में क्या जाता है, अगर आप वीडियो देखते हो साथ साथ लाइक भी कर दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज और सपोर्ट के लिए, आपके लव के लिए थैंक यू। और हमारी एडिटिंग भी हो चुकी है, थोड़ी देर में व्लॉग आपको मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय।